दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रैली करने जा रही है 14 दिसंबर को। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक हैं। सर, तमाम विषय हैं और कुछ और विषय अब ऐड हो गए हाल के दिनों में, चाहे सीएबी का मसला हो या और बाकी चीज़ें, किस तरह से आगाज करेंगे यहाँ से? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले दिनों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज की जो आर्थिक स्थिति है, आज जो महंगाई बढ़ी है, नौजवानों के रोजगार का जो मामला है, ये तमाम मुद्दों को लेकर तमाम राज्यों में एक आंदोलन इसके खिलाफ में शुरू किया था और उसी के सिलसिले में यहाँ पर ये एक राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी। हम ये मानते हैं कि आज समाज के तमाम वर्ग, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, हमारे किसान हो, तमाम लोग आज परेशान हैं और उसी के चलते हुए आज एक इस रैली का हमने आयोजन किया है। लेकिन मुकुल जी, आज प्याज की कीमतें 200 के पार है, महिलाओं पे किस तरह से एट्रोसिटीज़ हो रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो सीधे लोगों को छूते हैं, क्या उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस? देखिए, मुझे तो हैरत है, प्याज तो बस एक प्याज की कीमत बस एक ही बात है, लेकिन हैरत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि प्याज की कीमतें बढ़ी तो क्या हुआ, प्याज नहीं, आज बगैर प्याज से भी तो भोजन किया जा सकता है। अगर हमने कहा कि भाई अब उद्योग बंद पड़ने लग गए हैं और आर्थिक परिस्थितियां बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो कहते हैं सड़क पर आज भी तो ट्रैफिक जाम होता है, आज भी गाड़ियां चलती है। इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कहने लगते हैं तो किस तरह से वो ये सारी परिस्थितियों से उसका सामना करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिरी सवाल इस रैली से आगे, क्योंकि चूंकि कांग्रेस पार्टी, आपने भी अभी कहा कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और मोदी सरकार का अस्त शुरू होगा, क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की बात? देखिए, लोगों के मनों में बहुत रोष है, यहाँ तक कि जो आम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के हक में अपना वोट भी दिया था, उनको भी पूरी तरह से निराशा हो गई है। जो सोचते थे कि मोदी सरकार होते हुए उनके प्रश्न सुलझेंगे, आज वो भी मायूस हो चुके हैं और लोगों के मनों में बहुत पीड़ा, बहुत दर्द और बहुत रोष, बहुत गुस्सा नज़र आता है। और इसलिए जब कांग्रेस के माध्यम से हमने तमाम जिलों में हमने आंदोलन की शुरुआत की, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं और मैं ये मानता हूं कि 14 तारीख की रामलीला मैदान में होने वाली रैली ये ना सिर्फ एक ऐतिहासिक होगी, लेकिन यहां से मोदी सरकार का अस्त शुरू होगा। जिस तरह से सत्ता में आने के बाद आम लोगों के प्रश्नों के तरफ पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का काम इन्होंने किया, अब लोग उसका जवाब स्वयं देंगे। सर, सरकार तो सीएबी में बिजी है जबकि देश के सामने और भी बहुत सारी समस्याएं, देश के सामने में बहुत सारी समस्याएं हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट समस्या है, कॉमन आम आदमी का समस्या है, एवरीबॉडी इज नाउ सफरिंग, नाउ ऑन द अदर साइड वुमेन आर ट्रीटिंग लाइक डॉग्स, एवरी डे वी आर हियरिंग पेनफुल न्यूज ऑफ ह्यूमन एट्रोसिटीज। दिस गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस इश्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट इन द हाई राइज, farmers disease is in a high rise, high peak situation, manga is there very much, no solution so far, no intervention from the government side, therefore we are pinpointing the people issues against this government. आपको लगता है ये जो रैली है इसमें सारे लोग पूरे देश भर से आएंगे, लेकिन सरकार का इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो तो सीएबी और 370 और इन सब चीज़ों में लगी, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है सर। या, उसके लिए दिस फॉर डाइवर्टिंग द रियल इश्यूज, दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर डाइवर्टिंग द इश्यूज। वी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इज इंटरेस्टेड टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द कॉमन पीपल, बट गवर्नमेंट इज इंटरेस्ट टू डाइवर्ट दिस इश्यू बिकॉज वी आर नॉट इन दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू सॉल्व दिस इश्यूज, दे डोंट नो हाउ टू गवर्न द कंट्री। आज फिर सीएबी राज्यसभा में आएगा, आपको क्या लगता है नंबर्स गवर्नमेंट के फेवर में है या अपोजिशन यूनिटी उनको रोकने में कामयाब? लेट अस वेट फॉर द फाइनल डिसीजन, फाइनल वोट आउट, फाइनल डिविजन्स कम। बहुत कम का फर्क है नंबर्स में, बहुत कम का फर्क है, लोकसभा में तो उन्होंने करा लिया। लोकसभा में है मेजोरिटी,
Because that is also they are trying to bulldoze this type of legislation to all political parties. Let us see what is happening in the. ठीक तो ये केसी के वेणुगोपाल जी थे जिनका कहना है कि रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होगी और कांग्रेस पार्टी वहां से मोदी सरकार के खिलाफ एजिटेशन का आगाज करेगी. कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली.